They say life will bring discomfort, and I discovered we all just suffer, cause no one feels that bad. हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं लोग सब बढ़िया होंगे। मैं स्वागत करता हूँ आप सभी का अनदर ब्लॉग में। तो आज है थर्ड गाइस, तो आज है 3 अक्टूबर एंड फिलहाल अभी हम जा रहे हैं शादी में, एक और शादी है हमारे गांव में ही, तो अभी हम लंच करने जा रहे हैं वहां को, मैं और मम्मी। तो लोकेशन में पहुँच के बात करते हैं। और गाइस, तो शादी से तो आ गया, खाना खा के लंच करके, सो फिलहाल अभी जापानी खा रहा हूँ, जापानी फल आजकल बहुत ट्रेंड में है। सो फिलहाल अभी जस्ट वेट कर रहा हूँ अंजलि के लिए, क्योंकि अंजलि के लिए मैंने कुलचा लाया हुआ है वहाँ से, तो उसे कुलचा खिलाएंगे, देन फिर शाम को जाएगी वो शादी को, क्योंकि अभी तो इंस्टीट्यूट गई हुई है, तो इस करके उसको नहीं ले गए, तो मतलब लेट हो जाती है वो काफ़ी, तो बस उसी का वेट हो रहा है, उसको खाना पाना खिला के फिर बाद में शाम को ट्यूशन पढ़ा के हम निकलेंगे शादी में। आज भी हम फुल एंजॉय करने वाले हैं। यू नो, आज मैं समझ पाया हूँ कि मेरा नेचर ऐसा क्यों है, क्योंकि मैंने हर चीज़ को बहुत सीरियसली ले लेता हूँ, तो आज के बाद लेट्स नॉट टेक एवरीथिंग सीरियसली, भी थोड़ा बहुत फन करेंगे। लाइफ इज फन ब्रो, लाइफ को मजे की तरह जीना चाहिए, चाहे जो मर्जी हो। So, guys, आप लोगों ने मेनली देखा होगा कैमरे के सामने हम कैसे खड़े, ये स्टे था कैमरे के सामने, जब ऑफ कैमरा होता था हम कैसे खड़े देखने के लिए देखती हूँ। इतनी सुंदर लगती हूँ मैं। भाव बढ़ा दिए किसी ने किसी के। सो आ गई है काम वाली। क्या हो जाती शुरू? कमरे का ऐसा खचाड़ा बना के रखती है। एक्चुअली में इसने खुद सफाई नहीं करी ना, फिर दूसरों के ऊपर ब्लेम लगा देते हैं ये। जब मैं सुबह साफ सफाई करके गई थी गाइस, मैं आपको हर रोज अपना कमरा दिखा के जाऊंगी कि कमरा कैसा था, आप भी यहां देखो कैसा है। पीछे देखो, कंबल देखो। भाई मैं तो था अब नहीं यहाँ पे। तो ये किस लिखी है? सुबह ये तो ये दिखे हुए कंबल। सुबह जब मैं कंबल उठा रही थी, ठीक है, तब बोला मैंने सोना ऐसा कंबल लपेट दिया अपने ऊपर की, जैसे सोचना क्या। चलो जी फिर से शादी को भी गाइस। तो
जब से ये बाइक्स वगैरह की आदत पड़ी है ना, तब से चला ही नहीं जाता है, सांस फूलना शुरू हो जाती है थोड़े चलने पर ही। तो कोशिश करना चाहिए कि हमें ट्रांसपोर्ट थोड़ा मतलब पैदल जाना चाहिए थोड़ा बहुत। जैसे गाड़ी आ रही है, बाइक आ रही, तो देखते हैं लिफ्ट मिलती है कि नहीं। नहीं मिली। Alright guys, so I'm back from शादी के location से। तो बहुत मज़ा आया, पर मतलब ठीक ही मज़ा आया। तो थोड़ा बहुत डांस किया, फिर बस सर 10 बजे तक अभी वापस आ गया था मैं। तो अब फिलहाल अभी घर में हूँ। जी हमारे लगे हुए हैं पढ़ाई शढ़ाई में, ओ सॉरी पढ़ाई में, रात में नाटक लग रहा हुआ है। ओह कौन सा वक्त वाला है? ऑलराइट गाइस, तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। अगर आएगी तो शेयर लाइक कमेंट करना ना भूलिएगा। बहुत ही सिंपल वीडियो, ज़्यादा नहीं है, तो डेली का ही है, ज़्यादा कुछ तो था नहीं आज। थोड़ा बहुत डांस दिखाया मैंने आप लोगों को, दुल्हा दुल्हन तो मैंने दिखा दिया होगा। आने वाले मतलब कल परसों दशहरे की फर्स्ट वीडियो आने वाली, वो पक्का ही आने वाली है। तो जाऊँगा, वीडियो बनाऊँगा आप लोगों के लिए, दिखाऊँगा जो आउट ऑफ ब्लू हैं, जो दशहरा नहीं देख पाएंगे उन सभी के लिए मैं वीडियो बनाने वाला हूँ परसों। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी, एंड आने वाली वीडियोज़ है वो भी पसंद आएगी। एंड शेयर लाइक कमेंट करना ना भूलिएगा। मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। टाटा बाय एंड जय श्री कृष्ण एंड सब्सक्राइब। Let's go. I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts.